आगे आदमपुर का चुनाव हो सकता है तो आप आगे कुलदीप का गढ़ कैसे तोड़ेंगे? आदमपुर के लिए अभी जयप्रकाश जी का, गुडिल्ला जी का और संपत सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है? किरण चौधरी जी ने एक बयान दिया है कि कुछ लोग मुझे कांग्रेस से निकालना चाहते हैं। बाणसमंद से लेके बांडा एड़ी तक 16 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस ने तय की। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा साथ खुद चल के आए हैं और इन बता दूं खास बात, इनको रात को बुखार भी होता फिर भी ये इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। आज तिरंगा यात्रा के बारे में जानेंगे, बताएं सर तिरंगा यात्रा। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित ये आज़ादी गौरव यात्रा, और गौरव क्यों? क्योंकि गर्व है, हमें हमारे देश पे गर्व है, आज़ाद हिंदुस्तान पे गर्व है। 75 साल जो देश आगे बढ़ा, ये 75 साल की हमारी देश की यात्रा, हिंदुस्तान की गौरव यात्रा पे गर्व है। और जो लड़ाई लड़ी गई 1857 से लेकर 1947 तक, जिस जिसने कुर्बानी दी, देशभक्ति की भावना लोगों में सिंचित करी, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार पटेल तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जी से लेकर और सुभाष चंद्र बोस जी तक, अनगिनत आज़ादी के वो मतवाले जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, अपनी जवानियों को कुर्बान किया केवल इस भावना से कि देश कभी आज़ाद होगा, हिंदुस्तान दुनिया के शिखर पे पहुंचेगा, आज उनकी, उनके संस्कारों को, उनकी भावनाओं को भी हमने याद किया। और देश ये 75 साल में जो आगे पहुंचा है, सबका जो योगदान रहा है, आज हमने सभी का इस देश में हर वर्ग का योगदान है, हर सरकार का योगदान रहा है, जो प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री का योगदान देश को आगे पहुँचाने में रहा है, हमने सबको नमन किया और ये संकल्प लिया कि उन संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए हम भी देश को आगे लेके जाने में अपनी अपनी जो हो सकेगा आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, आगे आदमपुर का चुनाव हो सकता है तो आप आगे कुलदीप का गढ़ कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये आदमपुर के लोगों का गढ़ है, और जो है चुनाव जब आएगा तो हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आदमपुर के लोग मतदान करेंगे और प्रदेश में बदलाव, जो कि आज हरियाणा का हर वर्ग बदलाव चाहता है प्रदेश में, उस बदलाव को यहाँ आदमपुर से गति मिलेगी। सर, आदमपुर के लिए अभी जयप्रकाश जी का, गुडिल्ला जी का और संपत सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है किसको लड़ाया जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी सही समय पे, जो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है। इसमें जो है, ये जो कांग्रेस का हाईकमान है, वो जैसे हुड्डा साहब ने चंडीगढ़ में एक चीज़ स्पष्ट करी कि जो लोगों की भावना होगी, जो सबसे सशक्त मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि ये चुनाव, इस चुनाव से प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में जो सबसे सशक्त उम्मीदवार लोगों की भावनाओं के अनुसार जिनका नाम सामने आएगा, कांग्रेस पार्टी हालाकमान उस पर मेरा मानना है कि विचार करेगी। ये उन्होंने, हुड्डा साहब ने कहा था और जो उन्होंने बात कही थी, मैं समझता हूँ यही आदमपुर के लोगों की भी भावना है। सर, किरण चौधरी जी ने एक बयान दिया है कि कुछ लोग मुझे कांग्रेस से निकालना चाहते हैं, वो आप उनसे पूछो, उन्होंने बयान दिया, उनसे आप पूछिए। सर, GST जो लगा दिया है दही लस्सी पे आम आदमी तक, क्या कहेंगे इसमें? ये तो मैं समझता हूँ आज महंगाई, आज रिकॉर्ड महंगाई से त्रस्त हर वर्ग, हर आम आदमी के घर परिवार का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। रिकॉर्ड आज देश में, देश के 75 साल के इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी रसोई गैस, 75 साल का रिकॉर्ड है ये, 75 साल में इतना महंगा कभी नहीं हुआ, सबसे सस्ता रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो ये आज इतनी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 75 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई आज 75वीं वर्षगांठ पे जो हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि आज हर देशवासी के परेशानी का कारण बना हुआ है। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जब ये इसके पे बात उठाते हैं, संसद में हमने आवाज़ उठाई, हमें उसकी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं मिली, ऐसी बेरोजगारी पे हमने संसद पे आवाज़ उठाने की का प्रयास किए, हमें इजाज़त नहीं मिली, अग्निवीर योजना पे लगातार पूरे संपूर्ण विपक्ष ने मेरे को जिम्मेदारी मेरी लगाई, स्वयं मैंने हर रोज़ नोटिस दिया अग्निवीर योजना पे चर्चा हो, और विपक्ष से सहमति के बाद मैंने पूरे संपूर्ण विपक्ष की तरफ से वो नोटिस दिया हर रोज़, लेकिन उस पर चर्चा तक भी नहीं कराने का काम किया। तो आज महंगाई और बेरोजगारी से हर नागरिक परेशान है देश का, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश, जहाँ पर
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार की देन है। सर, एक रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई ने चुनौती दी है कि यहाँ से खुद भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे या अपने प्रतिनिधि को चुनाव लड़ाकर दिखा ले, तो इस चुनौती के बारे में क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनौती का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जो है वो किस मंशा से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इस बात पर स्पष्टीकरण करें क्यों छोड़ी कांग्रेस पार्टी। अभी एक हफ्ते पहले तक आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, उसमें क्या ऐसा आया, राज्यसभा चुनाव में क्या जादू था ऐसा कि राज्यसभा चुनाव से जो है आपने भारतीय जनता, तो कहना है मतलब आज आदमपुर के लोग समझ चुके हैं। जो लोग बदल बदल के लोग आदमपुर के लोगों के बीच में आते हैं, वो आदमपुर के लोगों के भविष्य को बचाने नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे कारनामे उन्होंने कर रखे हों जो नब सरकार ने पकड़ रखी हो, वो अपने आप को बचाने तो आए, हो सकता है, लेकिन आदमपुर के लोगों के भविष्य को बचाने वो लोग नहीं आ रहे लोगों के बीच में। तो ये एक बात है, बड़ा मुद्दा बनेगा ये, और मुझे विश्वास है कि आदमपुर के लोग प्रदेश में बदलाव के ये लिए। सर, एक अंतिम सवाल कि आदमपुर की जो क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं, क्या क्या आप मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे आगे? देखिए, सारे मुद्दे हैं। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, जिसमें आदमपुर के गाँव के किसान भी शामिल है, बड़ा एक बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा तिरस्कार, इतनी बड़ी कुर्बानी, क्या कभी हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ादी के आंदोलन की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज़ाद होने के बाद क्या किसी आंदोलन को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी? आज वो 750 परिवार टकटकी लगा के आदमपुर की तरफ देखेंगे, कहते थे कि आमदनी दुगनी करेंगे, इन्होंने किसान की कुर्बानी ली, कहते थे कि रोज़गार देंगे, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, कहते थे काला धन लेके आएंगे, आज काले धन की संपत्तियाँ जिन लोगों की पकड़ी गई उन लोगों को ज्वाइन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करके भ्रष्टाचार को चरम में लेके जा रही है। तो ये सारे मुद्दे आदमपुर के चुनाव में बनेंगे और हर वर्ग, मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी का साथ। जी, ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में जो आदमपुर को लेकर, जो विकास को मामले को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे, और आदम जो वर्तमान सरकार है इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और इस सरकार ने काफ़ी लोगों को परेशान किया। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक हिसार।